मीठू की फेवरेट पोयम कौन सी है? बताओ मीठू, बता दो तुम बता दो। मीठू पोयम देखती है हमारे यहाँ। मीठू कौन सी बताओ, मीठू की फेवरेट पोयम बताओ, बोलो ये। बोलो वो गाए, उन्हें सीखनी है। वेलकम, मैं हूँ निवेदिता और आप सभी का मेरे डेली व्लॉग्स में स्वागत है। भैया यहाँ बस इतना बोल रहे थे कि मीठू को ब्रश करना सिखाओ ताकि ये खुद करना सीखे, और यहाँ मीठू खुद शुरू हो गई ब्रश वाली पोयम को लेकर के। तो भैया को जाना था ऑफिस अपने काम के लिए, भैया निकल गए काम के लिए, एंड हम यहाँ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि मैंने नोटिस किया कि मम्मी की आँख में हल्का सा रेड स्पॉट है। ठीक है, तो मैंने जब ध्यान से देखा उसे तो एक वो ब्लड का जैसे खून का थक्का सा था। तो क्योंकि मेरी मम्मी को बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है और ये मशीन प्रॉपर इनके पास रहती है, और मैं तो कहूँगी कि ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो हर एक घर में अवेलेबल होनी चाहिए। कभी भी आपका सर भारी सा लगे या कोई प्रॉब्लम सी फील हो ऐसी, ठीक है, तो बीपी हाई है या लो, इससे पहले कोई अनहोनी हो आप घर पे ही चेक कर लो। आप मार्केट जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, उतनी देर में बहुत सारी चीज़ें होने को हो जाती हैं, तो एक बार थोड़ा खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और मैं, मेरे को हैबिट हो चुकी है बीपी वगैरह चेक करने की, शुगर वगैरह चेक करने की, तो मैं देख लेती हूँ। तो मम्मी का मैंने यहाँ पे बीपी चेक किया और बीपी नॉर्मल था, तो देख करके बड़ा सुकून मिला कि बीपी का इशू नहीं है। बट पता ही है आप लोगों को, मौसम आजकल कितना चेंज हो रहा है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है, कभी एकदम से धूप निकल आती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो मौसम भी बीपी और हाई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मम्मी का बीपी चेक किया हमने, बीपी नॉर्मल था, नीचे का थोड़ा सा डाउन था, बट इट्स ओके, ठीक था, मतलब ऐसा इशू नहीं था। तो बस हम वही बातें कर रहे थे मम्मी की आँख को लेकर के, तो मैंने बातों बातों में बस मम्मी की आँख ऐसे ओपन करके देखी थी, और ओपन करते ही मेरे तो होश उड़ गए थे क्योंकि अब टेंशन वाली बात हो गई थी। मम्मी की आँख में ना सिर्फ कोने में बल्कि नीचे की साइड भी ब्लड आ चुका था, तो ये सीरियस मैटर था कि नहीं अब नहीं, अब हंसी मजाक से हटके डॉक्टर के पास जाना है। फिर मैंने इसका फोटो भी क्लिक किया, लाइट से भी देखा, फोटो भी क्लिक किया ताकि बाय चांस डॉक्टर बोले, या तब तक अगर हट जाता है तो दिखाने के लिए रहेगा, और अपने पास भी एक प्रूफ रहता है कि मतलब हाँ हमारे पास है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हालांकि अभी स्क्रीन पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट सीरियसली सामने से बहुत ज़्यादा लाल थी स्किन। और भैया घर पे ही थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो भैया जाने ही वाले थे अपने काम पे, भैया को बताया तो भैया ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे काम कैंसिल किए और हम लेकर चले गए फिर मम्मी को डॉक्टर के पास, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है और छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान दे देती है। तो हम आ चुके हैं राम आई केयर हॉस्पिटल में, और आते ही मम्मी का नंबर लगा दिया था मैंने, तो 10-15 मिनट बाद मैं फिर गई चेक करने के लिए कि नंबर आया कि नहीं आया। और यहाँ मैं भैया से बात कर रही हूँ क्योंकि भैया ने काम कैंसिल कर दिए थे अपने, तो मैंने बोला कि जब तक मैं दिखा रही हूँ आप अपने लोकल के काम देख लो, और क्यों टाइम खाली में आप अपना वेस्ट करोगे, यहाँ पे बस बैठना ही तो है। तो बस यहाँ पे मैंने भैया को ये बताया और उसके बाद नंबर चेक करवाया कि कितनी देर लगेगी, क्योंकि भैया की भी कॉल आ रही थी कि फ्री हुए कि नहीं हुए, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, हालांकि वो अपना काम कर रहे थे तो उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा बस टाइम और लगने वाला था, रिसेप्शन में मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि आपकी पर्चा अंदर जा चुका है, ये बगल में जो भैया बैठे हैं उनसे पता कर लीजिए एक बार, इन्होंने बोला कि आपका जो है पर्चा वो अंदर जा चुका है, तो बस ये है 5-10 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। तो बस बैठी थी मैं आकर के और तुरंत ही मम्मी का नंबर आ गया था, तो मम्मी को दिखा दिया है और डॉक्टर ने भी यही बोला है कि बीपी फ्लक्चुएट हुआ है, यानी कि बीपी थोड़ा सा हाई हो गया होगा तभी आंखों में स्पॉट आ गया, और उसके बाद उन्होंने लिखी 2-3 दवाइयां आंखों में डालने वाली हैं, और उन्होंने बोला कि हालांकि डरने वाली बात नहीं है बट फिर भी ध्यान रखें। और दिखा करके फिर हम मम्मी को वापस लेकर के आ गए, और देख ही सकते हो आप बारिश अच्छी हो रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि चलते हैं अब घर,
और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और उनसे प्यार करते रहें।